मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी मिनिस्ट्री फेल हो जाए अरविंद केजरीवाल जी की, इसलिए फर्जी एलिगेशन में उनको जेल भेज दिया। वो लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है। उसी का नतीजा है कि आज किसान रोड पे है, किसानों के रास्तों में कीले लगाई जा रही है, युवाओं को अग्निवीर के नाम पे उनके साथ छलावा और अग्नि में झोंकने जैसे काम किए जा रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी की स्टेटमेंट आती है, वो क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करा रही है, क्यों करा रही है भाई, क्या अधिकार है? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए 24 का चुनाव आखिरकार किन मुद्दों पर होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो लगातार विपक्ष का कहना है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जनता से सीधा बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर लोगों का तमाम सवाल यहाँ पर उठे हुए हैं, तो सीधा सवाल जानेंगे। आप बात करेंगे, कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में। हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, कौन कर रहा है पॉलिटिक्स हो रहा है हिंदू मुस्लिम का। सब अपने अपने समर्थन से बोल रहा है, पॉलिटिक्स में तो हो ही रहा है, हिंदू मुस्लिम का पूरा सवाल उठ ही रहा है। हिंदू मुस्लिम पर बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में और चुनाव भी उसी मुद्दे पर होगा। देखिए, चुनाव का मुद्दा क्या है वो सभी को पता है। पूरा मुद्दा है, पूरा देश में जो आक्रोश है, विकास ही तो है मुद्दा, वही तो मैं बता रहा हूँ। पूरे देश में जिस तरीके से बेरोजगारी, अशिक्षा, जिस तरीके से अग्निवीर युवाओं को अग्निवीर बना के जो अग्नि में झोंकने जैसे काम किए गए हैं, ये मुद्दे होने चाहिए देश में, वो नहीं है। मैं कहता हूँ देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी है। कौन कर रहा है हत्या लोकतंत्र की, क्योंकि देश में तो विकास हो रहा है। हाँ, तो देश में मैंने बताया ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी है अभी, वो लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुकी है। उसी का नतीजा है कि आज किसान रोड पे है, किसानों के रास्तों में कीले लगाई जा रही है, युवाओं को अग्निवीर के नाम पे उनके साथ छलावा और अग्नि में झोंकने जैसे काम किए जा रहे हैं। चार साल की नौकरी करेंगे जी, पूरी बात होने दीजिए। और जिस तरीके से ये ईवीएम में घोटाला करके अपनी सरकारें बना रहे हैं, उसी की तानाशाही, उसी की बदौलत जो तानाशाही देश के अंदर चल रही है। ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है क्या? आपको डाउट है क्या? मैं पूछ रही हूं। नहीं, आपको डाउट है? कैसे हो रही है गड़बड़ी? गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी करा रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कैसे हो रही है गड़बड़ी? कैसे क्या, आपने देखा नहीं? आपने नहीं देखा, चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली और फिर भी उन्होंने मेयर बनाया। क्यों बनाया भाई? जनता की आवाज़ है ना। जब जनता, आप बताइए मैडम, जब जनता ने अपनी आवाज़ बनाकर आम आदमी पार्टी की झोली में 20 पार्षदों को डाल दिया और मेयर बनना चाहिए था आम आदमी पार्टी का, 12 से 16 वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी के। मनोज सोनकर को मिले, कुलदीप कुमार को मिले 20 वोट, इन्होंने वहीं खराब कर दिया मामला। आपने देखा नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अवर सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ जी की स्टेटमेंट आती है, वो क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करा रही है, क्यों करा रही है भाई, क्या अधिकार है? अधिकार किस लिए है आपको? जनता ने जब आवाज़ बना के भेज दिया उन्हें, तो उनको नेता चुनने का अधिकार है। ये तरह तरह के रूल्स लाते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा चुनाव डालेगा, 9 नॉमिनेटेड उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कैंडिडेट, वो जो बंदे हैं मेंबर है, क्यों, ये क्या रूल्स है इनका? यही एमसीडी में करना चाहते थे ये। अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता इस देश के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो अरविंद केजरीवाल जी की कहते हैं ना, चांद पर धूल उछता हो, चांद कभी मैला नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी की छवि ऐसी है। जो अरविंद केजरीवाल जी का एम क्या है देश के अंदर, आने वाली जो जनरेशन है, ये बच्चा देख रहे हो आप, ये बच्चा है, ठीक है, इसका पहला चरण क्या होगा, इसका स्टेप होगा, फर्स्ट जो चरण होगा ना स्टेप, ये स्कूल का, उस स्कूल को सुधारने का काम अरविंद रेनोवेशन ही कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, स्कूल अभी एक ही बन रहा है, उस चीज को सुधारने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। देश के अंदर क्या चाहिए, आने वाली जनरेशन को लेकर चिंतित है अरविंद केजरीवाल जी, उनको परेशान करने के लिए तरह तरह की जांच एजेंसी का दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, क्यों कर रही है भाई? नहीं, किस लिए कर रही है? उनके जो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी मिनिस्ट्री फेल हो जाए अरविंद केजरीवाल जी की, इसलिए फर्जी एलिगेशन में उनको जेल भेज दिया। क्यों, ये नहीं चाहते कि आप ये देश के अगली बार भी केजरीवाल को वोट दूंगी, मोदी जी को एक वोट नहीं दूंगी, मोदी जी को। देखिए देश हाँ जी, देखिए एक ही बात बोलेंगे, 400 पार एजुकेशन कौन जा रहा है,
भाजपा, तो जैनविन सी बात है भाजपा को वोट देंगे। आपको कैसे पता है कि 400 पार हो जाएगी? क्योंकि अभी अरे एक बात बता, ना ना सॉरी सॉरी भैया, ईवीएम हैक नहीं जाएगा, डोंट वरी, 500 पार भी जाएगा, लेकिन मेरा कहना है एक बार ईवीएम हटा के देख लो, 4 पार नहीं हो गए, 4 पार नहीं जाओगे। वैलेट पेपर पर 500 पार, अगर पेपर पे हो जाए तो 500 पार। मैडम सुनिएगा, मैं बताता हूँ आपको, आप उस डिबेट को कंटिन्यू रखिए जो मेन डिबेट है। मेरा मुद्दा है यहाँ पर कि देश में हिंदू मुस्लिम पर वोट लिया जा रहा है, मुद्दा ये है। अच्छा, अगर मैडम मैडम नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप लोग ये केजरीवाल बोल रहे हैं, जो ये सरकार बनी थी आज से बहुत साल पहले की, अभी तो ये मोदी जी आए हैं 2014 में, इससे पहले राहुल गांधी थी और वगैरह भी कांग्रेस थी। तो जब से ये मैंने जब से देखा ये राम मंदिर जो अभी बना हुआ है, राम मंदिर किस, ये राहुल गांधी की मतलब काफ़ी सरकारें हुई थी, किसी के राज में ये राम मंदिर नहीं बन पाया, किसी में इतनी धता नहीं थी जो कि ये राम मंदिर बना पाता, समझे। मोदी जी आए, उन्होंने काफ़ी देश को बदला और काफ़ी सुधार भी है देश में, उन्होंने राम मंदिर भी बनाया और ये क्या बोलते जम्मू कश्मीर में भी 370 थी वो भी हटवा दी, तो वहाँ पर भी काफ़ी सुकून है। आप गए हैं कश्मीर? मेरी बात सुनिए, कश्मीर गए हैं आप? जो मैंने सुना है, मैं कहीं नहीं गया, मैं देखता हूँ। नहीं सुनाई बातों पे कैसे विश्वास? अरे क्यों नहीं, जो आदमी जाएगा वो बोलेगा। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, लोग केजरीवाल के लिए मरे जा रहे हैं, देख रहा हूँ तभी तो नहीं, एक बार तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो भाई यूपी का हूँ, हमारे यहाँ तो योगी जी हैं।